फ्रेंड्स, महाकाली की मूर्ति बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मिट्टी से एक चौकोर स्लैब बना लिया है। आप यहाँ पे लकड़ी का टुकड़ा या प्लाई का टुकड़ा का भी यूज कर सकते हो, पर मैंने यहाँ पे मिट्टी से ही स्लैब बना लिया है। और अब हम सबसे पहले महादेव की मूर्ति बनाएंगे। तो महादेव की मूर्ति बनाने के लिए सबसे पहले मैंने उनका बॉडी बना लिया है और मिट्टी के दो पतले क्वाइल की हेल्प से इनके दोनों पैर को बना लिया है। महादेव के वस्त्र को बनाने के लिए हमने सूती कपड़े को मिट्टी के घोल में डुबो लिया है और उसी से इनके वस्त्र को बना लिया है, कुछ इस प्रकार से। और अब हम सबसे लास्ट में इनके दोनों हाथ को बनाएंगे। तो हाथ को बनाने के लिए भी मैंने मिट्टी का दो पतला क्वाइल ले लिया है और उसी को मोड़कर दो हाथ हमने बना लिया है और इसको कंधे से इस टाइप से ज्वाइंट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको भी जानना हो कि मैं मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी कैसे तैयार करता हूँ, तो इसका वीडियो मैंने अलग से बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। चलिए अब हम महाकाली की मूर्ति को बनाना सीखते हैं, क्योंकि हमने महादेव का मूर्ति बना लिया है, फेस को हम बाद में लगाएंगे। तो सबसे पहले हम दो पैर को बना लेंगे महाकाली के। तो यहाँ पे मैंने मिट्टी के दो पतले क्वाइल को बना लिया है, जिसका ऊपर का भाग मोटा और नीचे का भाग पतला है। तो दोनों को देखिए इस टाइप से शेप देना है, एक को मोड़ लेना है और दूसरे वाले को सीधा रखना है। अब हम पैर की उंगलियां बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बस लंबा लंबा लकीर खींचा है, बहुत ही इजी है। सेम इसी टाइप से दोनों पैर की उंगलियां को हम बना लेंगे। फ्रेंड्स, हमने महाकाली के दोनों पैरों को बना लिया है। चलिए इसे अब हम मूर्ति में सेट करते हैं। तो मूर्ति को बनाने से पहले मैंने बीच में एक स्टिक लगा दिया था मूर्ति के सपोर्ट के लिए, और इसी स्टिक में हम देखिए दोनों पैर को इस टाइप से ज्वाइंट कर लेंगे। उसके बाद हम ऊपर के बॉडी को भी बना लेंगे कुछ इस प्रकार से। आप ध्यान से देखते रहिए हमने कहाँ पर एक्स्ट्रा मिट्टी ऐड किया है और कहाँ से एक्स्ट्रा मिट्टी निकाला है। तो सबसे पहले हम मूर्ति का बेसिक स्ट्रक्चर बना लेंगे, उसके बाद ही हम बॉडी का डिटेलिंग करेंगे। तो आप ध्यान से देखते रहिए। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि मैंने इस वीडियो में इस मूर्ति को बनाने का फुल प्रोसेस दिखाया है और यह मूर्ति बहुत ही खूबसूरत बनने वाला है। महाकाली का मैंने 5 सर इस मूर्ति में दिखाया है और 10 हाथ दिखाया है। सो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही रौद्र रूप दिखाने का प्रयास किया है इस मूर्ति में मैंने। फ्रेंड्स, हमने महाकाली के बॉडी का डिटेलिंग तो कर लिया है, अब हम इनके वस्त्र को बनाएंगे। जो कमर में टाइगर स्किन होता है वही हम बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने मिट्टी का पतला लेयर बना लिया है, पतला रोटी जैसा, और इसी को यहाँ पे चिपकाना है। तो दो भाग में हमने दोनों आगे और पीछे दोनों साइड से इसी टाइप से चिपका लेंगे और इसको खुरदरा ही रखना है। देखिए इस टाइप से हमने लकीर खींच लिया है, या इसको प्लेन नहीं करना है, चिकना नहीं करना है, पानी से बस खुरदरा रहे तभी यह रियलिस्टिक दिखेगा कलर होने के बाद। और अब हम इसके ऊपर राक्षस का जो हाथ होता है उसी का हमने लरी बनाएंगे। तो देखिए हमने छोटा छोटा बहुत सारा हाथ बना लिया था और बहुत ही ईजी है इसे बनाना। बस इसको हम एक एक करके यहाँ पे इस टाइगर स्किन के ऊपर चिपका देंगे चारों तरफ से। तो फ्रेंड्स, हमने महाकाली के वस्त्र का भी देखिए डिटेलिंग कर लिया है और नीचे जो हमने स्लैब बनाया था मिट्टी का उस पर भी हमने कुछ डिजाइन बना लिया है टूल्स की हेल्प से, और पेन की रिफिल का भी यूज किया है देखिए गोल गोल चारों तरफ से, ताकि ये थोड़ा अच्छा लगे दिखने में। आप चाहें तो इसे प्लेन भी छोड़ सकते हो। और अब हम महाकाली के हाथ को बनाएंगे। तो हाथ को बनाने के लिए भी मैंने मिट्टी का क्वाइल बना लिया है, जिसका ऊपर का भाग मोटा और नीचे का भाग पतला है। और इस टाइप से शेप देने के बाद मिट्टी से छोटा छोटा क्वाइल बना लेंगे पतला पतला उंगली के लिए। तो 4 पीस क्वाइल हमने देखिए इस टाइप से बनाकर चिपका लिया एक दूसरे से, और इसी के सहारे हम मूर्ति के उंगली को बना लेंगे। देखिए इस टाइप से ज्वाइंट कर लेना है, और एक छोटा सा अंगूठा भी हम आगे की साइड से चिपका लेंगे। और देखिए यहाँ पे मैंने एक ही हाथ बनाकर दिखाया है आपको, सेम इसी टाइप से हमने पहले से 10 हाथ बना लिया था और इसी को हम मूर्ति में लगाएंगे। अगर आपके पास टूल्स ना हो तो मैंने होम मेड टूल्स का भी वीडियो बनाया है अलग से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को देख लेना। उस वीडियो से आप घर पर आसानी से टूल्स बना सकते हो। देखिए हमने पहले से 10 हाथ बना रखा था, बस आपको सिखाने के लिए एक हाथ हमने बनाकर आपको दिखाया है। चलिए इसे मूर्ति में सेट करते हैं। तो सबसे पहले हम आगे के दो हाथ को यहाँ पे सेट कर देंगे और उसके बाद एक एक करके पीछे से 4-4 हाथ दोनों साइड से ज्वाइंट कर देंगे। तो देखिए इस टाइप से ज्वाइंट कर देना है। अगर ज्वाइंट ना हो तो आप यहाँ पे सीख का भी यूज कर सकते हो, जो अगरबत्ती का जलने के बाद जो लकड़ी बचा होता है उसी को हमने पीछे से देखिए इस टाइप से लगा दिया है, और इसी में अब आसानी से हाथ को इस टाइप से लगा सकते हो। पर अगर आप यहाँ पे लकड़ी का यूज करोगे हाथ को फिक्स करने के लिए, तो सूखने के बाद यहाँ पे क्रैक्स आएंगे बहुत सारा। तो क्रैक्स को कैसे ठीक किया जाता है इसके बारे में भी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है,
अगर आपको देखना हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्रैक्स को कैसे ठीक करें उसके बारे में मैंने डिटेल में उस वीडियो में बताया है, आप उस वीडियो को देख लेना। देखिए हमने सभी हाथों को फिक्स करने के बाद जहाँ जहाँ पे गैप दिख रहा था वहाँ पे मैंने मिट्टी फिल करके और उसे क्लीन कर दिया है ब्रश में पानी लगाकर। पीछे के साइड से भी मिट्टी अच्छे से लगा लेना है ताकि हाथ गिरे ना। इस टाइप से मिट्टी को लगाने के बाद इसे क्लीन कर लेना है ब्रश में पानी लगाकर और यहाँ पे क्रैक्स ना आए। तो इसके लिए मैंने देखिए सूती कपड़े को मैंने मिट्टी के घोल में डुबोकर पीछे से चिपका दिया है ताकि यहाँ पे क्रैक्स ना आए। अब हम महादेव के फेस को लगाएंगे। तो फ्रेंड्स गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने के कारण मूर्ति कंप्लीट होने से पहले ही पूरी तरह से सूख चुका है। तो सबसे पहले हम उस एरिया को भिगा लेंगे जहाँ पे मिट्टी लगाना हो और इस टाइप से अब हम गर्दन बना लेंगे और उसके बाद फेस को लगा देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे फेविकोल का भी यूज कर सकते हो अगर ना चिपके तो। वैसे फेस को लगाने के बाद अब टूल्स की हेल्प से हम महादेव के जटा का भी डिटेलिंग कर लेंगे आगे और पीछे दोनों साइड से कुछ इस प्रकार से। वैसे जो मैं टूल्स यूज करता हूँ इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये मैंने ऑनलाइन ही खरीदा था। और अब हम छोटा सा एक सर्प बनाकर सांप बनाकर इनके गले में कुछ इस प्रकार से लगा देंगे। लास्ट में मैंने एक छोटा सा चांद भी बना लिया था और उसे भी मैंने जटा के ऊपर चिपका दिया था शंकर भगवान के। चलिए अब हम महाकाली के फेस को बनाना सीखते हैं। तो फेस को मैंने इस मोल्ड से ही बनाया था और यह जो मोल्ड है यह दुर्गा माँ का मोल्ड है, पर इसी मोल्ड से हम महाकाली का फेस बनाना सीखेंगे। तो फेस को बनाने के लिए हमने कुछ इस प्रकार से मिट्टी को डाला है मोल्ड के अंदर, आप देख सकते हो। और थोड़ी देर हार्ड होने के बाद अब हम ऊपर के साइड मिट्टी चिपका कर और ऊपर के साइड खींचेंगे तो यह ईजिली निकल जाता है फेस। पर थोड़ा सा जो बिगड़ा हुआ पार्ट हो उसको ठीक करना पड़ता है। देखें यहाँ पर मैंने क्लीन कर लिया है उंगली में पानी लाकर और आइज वगैरह का डिटेलिंग हम टूल्स की हेल्प से कर लेंगे। आप यहाँ पे अगर आपके पास इस टाइप का टूल्स ना हो तो आप यहाँ पे सुई का भी यूज कर सकते हो, सुई से भी आप इस टाइप से इजीली डिटेलिंग कर सकते हो मूर्ति का। और उसके बाद ब्रश में पानी लगाकर अच्छे से क्लीन कर लेंगे। आईज को सेम उसी टाइप से छोड़ देना है, बस ऊपर में एक तीसरे आंख को बना लेंगे टूल्स की हेल्प से और बाकी जितना डिटेलिंग है वो सब लिप के पास करना है क्योंकि यहाँ पे दांत और जीभ को भी बनाना है। तो देखिए आईब्रो वगैरह को हमने कुछ इस प्रकार से बनाया है और दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा मिट्टी लगाकर मूर्ति के कान को भी बना लिया है कुछ इस प्रकार से। और अब हम सबसे लास्ट में लिप का डिटेलिंग करेंगे। तो यहाँ पे मुंह को खुला हुआ बनाना है जिसमें दांत दिखे और जीभ निकला हुआ। तो यहाँ पे देखिए मिट्टी को हमने टूल्स की हेल्प से कट कर दिया है और ऊपर वाले लिप के पार्ट को हमने बनाया है बस। और इसके बाद दांत के लिए हमने थोड़ा सा मिट्टी अंदर के साइड ऐड किया है और टूल्स की हेल्प से देखिए दांत भी हम बना लेंगे इस टाइप से। और इसके बाद हम नीचे वाले लिप को इस टाइप से खुला हुआ बनाएंगे और इसी के अंदर जीभ को लगाना है। तो पहले देखिए लिप को हम बना लेंगे टूल्स की हेल्प से, आप बस ध्यान से देखते रहिए। और इसको अब हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे ब्रश में पानी लगाकर और सबसे लास्ट में हम जीभ को लगाएंगे। तो हमने जीभ को पहले से बना लिया था, ये ड्राई भी हो चुका है तो इसे मैंने फेविकोल की हेल्प से यहाँ पे चिपकाया है और टूल्स की हेल्प से डिटेलिंग करके ब्रश में पानी लगाकर अच्छे से क्लीन कर दिया है। और सेम इसी टाइप से हमने पांच पीस फेस पहले से बना लिया था पर गर्मी हार्ड होने के कारण यह पांचों फेस मूर्ति में लगाने से पहले ही सूख चुका है। चलिए अब इसको यहाँ पे सेट करते हैं। तो सबसे पहले मूर्ति का गर्दन बना लेंगे। तो गर्दन बनाने के लिए हमने एक सीख पहले लगा दिया है, मैंने वहाँ पे होल कर लिया था और उसी में मिट्टी लगाकर गर्दन बना लिया है। अब हम फेस को लगाने के लिए देखिए पीछे के साइड से हल्का सा मिट्टी मैंने लगा दिया है और इस फेस को हमने पीछे के साइड से भिगाकर और इस मिट्टी में इस टाइप से चिपका देंगे। एक फेस को लगाने के बाद इसे थोड़ी देर हार्ड होने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद हम दोनों साइड से एक एक फेस को ज्वाइंट कर देंगे। तो इसे रखकर और पीछे के साइड से मिट्टी लगाकर इस टाइप से ज्वाइंट कर देना है, यह इजिली चिपक जाता है। देखिए दोनों साइड से एक एक को ज्वाइंट कर देना है और तीन फेस को ज्वाइंट करने के बाद इसे थोड़ी देर हार्ड होने के लिए छोड़ देंगे। जब यह पूरी तरह हार्ड हो जाएगा उसके बाद ही दो बचा हुआ फेस को लगाएंगे। अभी हम इसको छोड़ देते हैं, तब तक हम मुंड का जो माला होता है वो हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा एक मुंड बनाकर मैं दिखाऊंगा, इसी टाइप से राक्षस का फेस बनाना है। ये बहुत ही इजी है, आप चाहे तो कैसा भी बनाओ वो चलेगा, कलर होने के बाद ये दिखेगा। वैसे मैंने इस पे ज्यादा डिटेलिंग नहीं किया है, बस नॉर्मल इसी टाइप से देखिए छोटा छोटा फेस बना लिया है। तो यहाँ पे मैंने एक ही फेस बनाकर दिखा है, इसी टाइप से मैंने बहुत सारा फेस पहले से बना रखा था। और फ्रेंड जितना भी मैंने सर बनाया था राक्षस का ये सारा हार्ड हो चुका है, सूख चुका है। चलिए इसे ज्वाइंट करते हैं। तो जहाँ पे इस मुंड को लगाना है उस एरिया को मैंने पहले भिगा दिया है ब्रश में पानी लाकर, उसके बाद इसे खुरदरा बना लिया है टूल्स की हेल्प से ताकि यहाँ पे मिट्टी अच्छे से चिपके। इसके बाद पानी से भिगाने के बाद इस जगह पे मैंने मिट्टी के क्वाइल को चिपका दिया है और क्वाइल को चिपकाने के बाद इसे भी खुरदरा बना दिया है टूल्स की हेल्प से। उसके बाद इसी के ऊपर मैंने इसे चिपकाया है, सारे मुंड को एक एक करके दोनों साइड से चिपका लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक ही साइड से चिपका कर आपको दिखाया है और सेम इसी टाइप से दूसरे साइड हम चिपका लेंगे सारे मुंड को। यहाँ पे आप फेविकोल का भी यूज कर सकते हो अगर ना चिपके तो।
फ्रेंड्स यहाँ पे जितना भी बचा हुआ मुंड था राक्षस का, उन सबको देखिए हमने दोनों साइड से माला में चिपका दिया है, और ऊपर में जो हमने 3 फेस लगाया था वो भी हार्ड हो चुका है। तो बचा हुआ जो 2 फेस है उसको भी हमने यहाँ पे चिपका दिया है पीछे से मिट्टी लगाकर। महाकाली के मूर्ति को तो हमने बना लिया है, अब हम इनके हाथों में पकड़ाने के लिए खप्पर बनाएंगे। यहाँ पे मैंने एक कटोरी बना लिया है छोटा सा, और उसी में हमने आग बना लिया है। इसको हम फेविकोल की हेल्प से ऊपर वाले हाथ में यहाँ पे चिपका देंगे, और इसके बाद मैंने एक छोटा सा शंख बना लिया था, इसे हम दूसरे वाले हाथ में यहाँ पे फेविकोल की हेल्प से चिपका लेंगे। एक छोटा सा हमने राक्षस का फेस भी बना लिया है, और ऊपर के साइड हमने लोहे के पतले वायर को यू शेप में मोड़कर लगा दिया है हाथ में हैंग करने के लिए, और यह मूर्ति भी बन चुका है। देखिए इसका फाइनल लुक। मूर्ति के अस्त्र शस्त्र को हम नेक्स्ट वीडियो में बनाना सीखेंगे, सो आप लोग चैनल पे बने रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस मूर्ति को कलर और डेकोरेट करना सीखेंगे। और फ्रेंड्स आपको यह मूर्ति कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप भी ऐसा मूर्ति बनाते हो मेरे वीडियो से सीखकर तो आप उसका भी मुझे इंस्टा पे शेयर कर सकते हो, मैं इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आशा करते हैं आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।